हवा की दिशा में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी बादल रूठ गए। अब बारिश के लिए शहरवासियों को और इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान तेज धूप खिलेगी जिससे तापमान में तेजी आएगी। पूर्वी हवाओं के चलते मानसून की सक्रियता बढ़ गई थी। सीएसए के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे के मुताबिक अगले हफ्ते से बारिश होने की संभावना है। उनका कहना था कि बंगाल की खाड़ी से जिस तरह से अर्ध हवाएं लगातार पूरे उत्तर भारत में आ रही हैं, उससे लगता है कि कभी भी सुबह शाम के वक्त 10 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अब अगले हफ्ते में बारिश होने की पूरी संभावना बनी रहेगी, लेकिन बारिश की बहुत अधिक संभावना नहीं है। लेकिन अरब सागर और बंगाली खाड़ी से जिस तरह से आर्द्र हवाएं लगातार पूरे उत्तर भारत में आ रही हैं, तो उससे लग रहा है कि कभी भी शाम के टाइम या सुबह के समय बारिश और हल्की बूंदाबांदी 5 से 10 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।